हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक हैंडबैग लेके आई हूँ, हैंडबैग और शोल्डर बैग जो भी आप कह सकते हैं। और इसको हमने कुछ इस तरह से बनाया है, इसकी डिज़ाइन आप देख ही रहे होंगे। इसमें एक पॉकेट हमने पीछे दी है और एक फुल पॉकेट हमने यहाँ बीच में दी है जो काफ़ी स्पेस में है, देखिए। और इसको हमने बनाया है एक पुराने कुर्ते से, तो उसमें सारा मेजरमेंट हमने बताया है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया है। आज जो हम बैग बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे हम एक पुराने अपने कुर्ते से, और ये सलवार पर का कुर्ता है, कुर्ती नहीं है। तो कुर्ता है तो थोड़ा सा ढीला भी है, साइज़ में बड़ा भी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर अगर लगाते हैं तो पहली बात तो इसमें नीचे दबाव नहीं है, तो इस बॉर्डर को हम निकाल देंगे तो हमको ये पीस मिलेगा। और यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पर छोटी छोटी बूटियाँ बनी हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब ये कलर केवल इसका फेड हुआ है, बाकी इसमें जो जरी का काम है या रेशम धागों का काम है वो बहुत फाइन है। तो कुर्ती में से एक सुंदर सा बैग आज हम निकालेंगे, तो इसके लिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जो हमने बॉर्डर मोड़ दिया है उसको तो नीचे मोड़ ही देंगे, फिर यहाँ से सामने वाले दामन की पूरी चौड़ाई देखेंगे कितनी आ रही है। तो मेरी यहाँ पर ये आ रही है 23, तो इसको हम जस्ट हाफ करेंगे 11.5 पर। ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब ये हमारा सेंटर आ गया। अब सेंटर से बैक की एक जो नीचे की चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो कम से कम 14 इंच तो होती ही है, कम से कम। तो हम यहाँ पर 16 लेंगे, जिससे कि हमको सिलाई का भी मार्जिन मिल जाए, क्योंकि अभी हमें इसको क्विल्ट भी करना होगा। तो ये हम 16 लेंगे, और ये हमने सेंटर से 8 इंच इधर 8 इंच इधर ले लिया। अब हाइट लेंगे इसकी हम 15 इंच, इधर से 16 बॉटम में और इधर से 15 लेंगे। तो क्विल्ट करने के बाद जब हम कटिंग करेंगे तो हमको इसकी एक्यूरेट साइज़ यहाँ पर 14 चाहिए, तो हम यहाँ पर 15 ले रहे हैं, इधर से भी 15। तो 16x15 का दो पीस हमको निकालना होगा, एक फ्रंट का और एक बैक का। तो इसको हम यहाँ पर, ये 16 आ रहा है हमारा, और इसमें लाइन खींच लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे, और कट करने से पहले ये बॉर्डर हम निकाल लेंगे। पहले ऊपर वाला पीस कट करेंगे, और ये हमने अभी ऊपर का पीस काटा है। अब यहाँ से हमने बॉर्डर काट लिया था, तो इतना कपड़ा हमारा वेस्ट ना चला जाए, इसको भी हम, अब जो पहला पीस काटा था उसको यहाँ नीचे से रख के काट लेंगे इसको बराबर से, तो ये हमारे बैक साइड का भी आ जाएगा। ये जो नीचे का सिलाई है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे बाद में। और ये जो नीचे का बैक साइड का जो कपड़े का बॉर्डर था सिला हुआ, इसको हम निकाल देंगे। तैयार कपड़ा हमें चाहिए 14x14 का। अभी हमें क्विल्ट करना है, इसलिए हमने इसको थोड़ा बढ़ा के लिया है। तो अब यहाँ पर पहले हम 14 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमें, ये जो हमने 14 पे निशान लगाया, तो अब इसके जो साइड वॉल का मेजरमेंट है वो हम ले रहे हैं, तो यहाँ से हम 4 इंच डाउन जाएंगे। ये तैयार क्विल्टेड पीस के बाद का, तो हमको 10 इंच यहाँ चाहिए, 14 यहाँ चाहिए और 10 इंच यहाँ चाहिए। तो ये हो गया हमारा टोटल 34 इंच, 10 10 10 प्लस 4, तो 34 इंच का हमें साइड वॉल चाहिए। और साइड वॉल की जो विड्थ होगी वो हमारी 4 इंच होगी। तो अब हम 4x38 इंच का पीस निकालेंगे जो हमारी साइड वॉल तैयार होगी। तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे, ये ऊपर वाला पीस कट करके हटा देंगे पहले। अभी इसको हम हटा देते हैं, हमारे पास बचा ये बैक साइड, और इसमें यहाँ पर 5 इंच की विड्थ लेंगे,
फाइव फाइव, और इसकी लंबाई नाप लेंगे तो हमें मिल रही है 18 इंच। तो 18 थ्री जा हमारा आएगा 54 इंच। तो पहले हम पूरा 54 निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसको पहले हम सीधा कट करेंगे। साइड वॉल हमने 4 इंच की थी, पट्टी काट रहे हैं हम 5 इंच की, क्योंकि हमें क्विल्टिंग के लिए भी स्पेस चाहिए कपड़े में, तो 1 इंच हमने बढ़ा के दिया है। अब इसको हम बराबर हिस्सों में रखेंगे। ये 5 इंच के पीस, 5x18 इंच के पीस हमारे 3 मिल जाएंगे। इसको हम कट कर लेंगे। ये पूरा तीनों पीस मिला करके, क्योंकि ये 18 इंचेस की लेंथ है, तो हमको मिला यहाँ पर 54, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 16, यानी कि और टोटल हमें अब यहाँ पर ये देखिए, अभी हमें 16 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है इस 54 में। और ये जो हमने पीस काटा था, ये जो 15x16 का पीस काटा था, तो हमें यहाँ पर 14 इंच यहाँ भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अंदर हमारी ज़िप लगेगी, ये हमारी हाइट जा रही है। तो यहाँ पर जो 16 इंच आया एक्स्ट्रा, इसी में हमारी चारों तरफ की बेल्ट कवर हो जाएगी। इसलिए हमने 3 ही पीस काटे, क्योंकि 18 इंच की ये लंबी पट्टी हमको मिल रही थी। अब इसमें हमें तीन साइड की वॉल और एक साइड जो ज़िप अंदर हम लगाएंगे, जहाँ से हमारा बैग ओपन होगा, वो भी इसी में मिल जाएगा। और अब इसके बाद हम निकालेंगे बेल्ट। बेल्ट हमें चाहिए 26 इंच की डबल। तो हमारे पास अभी स्लीव्स बची हैं, ये तो स्लीव्स में से हम निकालते हैं। जो हमारी पूरी हाइट आ रही है, पूरी तो हमारी आ रही है 17, लेकिन हमें चाहिए 26 की एक पीस। तो हम यहाँ लेंगे 14 इंच, ये 14 इंच लेंगे, यहाँ से 14 इंच लेंगे, ये हमारा एक पीस हो गया। और इसमें से हम 3 इंच निशान लगा लेंगे इस तरह से, और एक लाइन पूरी खींच लेंगे। और इसको हम कट कर लेंगे। और अभी हमें इसमें 14 इंच और चाहिए। तो अब हम मिक्स मैच करके सारे पीस निकालेंगे, हमको सब मिलाना होगा। जो भी कपड़ा बचेगा उसको लेंगे, ये स्लीव्स में से ही लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए इतना दबाव है स्लीव्स में, तो इसको हम यहाँ से जोड़ करके और तब इसको खोलेंगे। तो अब इसको हम पहले जोड़ लेते हैं, दोनों स्लीव्स के पीस निकाल लेते हैं, क्योंकि कुर्तों से जब हम कोई भी बैग बनाते हैं तो वो इसी तरह से ही तैयार किए जाते हैं। कुछ खोलना पड़ता है, कुछ काट के फेंकना पड़ता है। अब बेल्ट के लिए हमें 26 लेंथ भी चाहिए और 6 इंच उसका जो विड्थ है वो भी चाहिए, तभी हमारी बेल्ट मजबूत बनेगी। तो पहले हम इसको यहाँ साइड से सिल लेंगे और फिर इसको खोल देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर ये हमारी पूरी एक लंबी लेंथ की बेल्ट आ जाएगी, एक ही आ जाएगी। अब इसके अलावा हमें पीस चाहिए 5x14 इंच के दो पीस। तो ये पीस अभी हमारा जो फ्रंट में हमने काटा था बच गया था, ये देखिए, ये अब इसमें से वो दो पीस हम निकालेंगे। कपड़ा हमें काफ़ी मिल रहा है, अब इसको हम 10x जितनी भी है इसकी लेंथ आ रही है इसमें कट कर लेंगे। इसको फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से इसको डबल कर लेते हैं, क्योंकि हमें डबल पीस चाहिए। ये जो अभी हमने पीस काटा है इसको अलग रखना है, इसको हमें क्विल्ट नहीं करना है। तो इस पे क्रॉस का निशान लगा के रख देते हैं और
अब ये दोनों मेन पार्ट और ये जो 54 इंच की लंबी पट्टी काटी थी इसको हम क्विल्ट कर लेते हैं। बेल्ट बनाना मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा है कि ये बेल्ट कैसे बनती है। ये हमने 15 बाई 16 इंच के दोनों पीस क्विल्ट कर लिए हैं और ये लंबी वाली पट्टी जो 54 इंच की थी इसको क्विल्ट कर लिया है। ये दो एक्स्ट्रा में पीस थे जो बाद में हमने निकाले थे। ये 10 बाई 14 इंच का एक पीस हमने और एक्स्ट्रा में लिया है। 14 इंच की 2 जिप हैं, 3 रनर हैं और ये हैंडल वाला कपड़ा जो हमने स्लीव से निकाला था। तो सबसे पहले हम अपनी हैंडल तैयार करेंगे। हैंडल तैयार करने के लिए जो एक पीस हमने जोड़ा था वो और दूसरा जो प्लेन पीस था उन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे और एक पूरी लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 6 है, तो इसको हम यहाँ से देखते हैं। इसको हमें जस्ट इस तरह से हाफ़ करना है, दोनों तरफ से हाफ करना है और फिर पूरा इसको इस तरह से डबल कर देना है और इसी तरह से ये पूरी दोनों पट्टियाँ तैयार होंगी। और ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब इसको हम एक सिरे से मिलाते हुए, दोनों बेल्ट को एक सिरे से मिलाते हुए पहले एक तरफ फिनिशिंग दे देंगे और फिर इंच टेप की मदद से 26 इंच की ऊपर से दोनों एक साथ पकड़ेंगे और 26 इंच की बेल्ट निकाल लेंगे। पहले कपड़ा ज़्यादा इसलिए लेते हैं तैयारी करते समय कि मान लीजिए बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमको मार्जिन मिले कपड़े में। और ये देखिए ये हमारी 26 आ रही है और एक बढ़ा हुआ है, इसको हम यहाँ से भी बराबर कर लेंगे और ये हमारी 26 इंच की बेल्ट कंप्लीट हो गई। तो ये साइड वॉल है, यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा 10 इंच है, ये 10 इंच है, ये 10 इंच है। बॉटम हमारा 14 इंच का होगा तो हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर 10 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे 3 साइड की वॉल कंप्लीट निकल आएगी। फिर हमें 14 इंच का एक पीस और चाहिए जिसमें हम जिप लगाएंगे। मेन पॉकेट होगी हमारी, ये हमारा 14 इंच है और इसमें हम बीच में एक निशान लगा के रख देंगे जिससे हमें पता रहे कि इसमें हमें जिप लगानी है और ये जो बढ़ा हुआ है इसको कट कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी साइड वॉल, इसके साथ हमें चाहिए एक जिप और 2 रनर। तो अब इसको हम अलग कर देते हैं। अब लेंगे हम अपना मेन पीस और इसमें मेजरमेंट करेंगे। बॉटम की तरफ से लगाएंगे 10 इंच पर एक निशान और ऊपर एक 4 इंच पर। ये हमारा 10 इंच आ गया, ये 4 आ गया। इधर से लेंगे 14 इंच पर, ये हमने बढ़े हुए कपड़े लिए थे, ये आया हमारा 14 और ये जो निशान लगाया है हमने 14 पर, इस पर हम चौक का स्क्रू से एक लाइन खींच लेंगे। इधर से भी 14 ले लेंगे, ये 14 है, फिर 10 पर निशान लगाएंगे। ये हमने 10 पर निशान लगाया, फिर यहाँ पर एक 10 पर निशान लगाएंगे और एक लाइन यहाँ भी खींच देंगे। ये हमारी 10, सेम मेजरमेंट इसमें होगा। इसको कट करने के बाद अब ये हमारा 14 बाई 14 का पूरा पीस तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम ये जो हमने 4 इंच का निशान लगाया था तो किनारे से यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, फिर 2 इंच पर मार्क करेंगे
फिर इस साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच पे मार्क करेंगे। और ये जो 3 इंच पे निशान लगाया है इस 3 को इस 4 से मिला देंगे। सेम मार्किंग इस पर भी करेंगे। और ये जो 3 से 4 इंच पर हमने थोड़ा सा बैंड करके निशान लगाया है इसको हम कट कर देंगे। और ये हमारा फ्रंट है, इसमें हमारी एम्ब्रॉयडरी है, ये हमारा बैक है। अब बैक साइड में एक निशान हमें और लगाना है, ये 10 इंच पर था और बॉटम से हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे और पूरी लाइन खींच लेंगे। अब हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक जिप लेंगे और रनर लेंगे। अब ये जो बैक साइड में हमने 8 इंच पर निशान लगाया था इसको कट कर देंगे और इस पर हम एक जिप लगा देंगे। अब रनर डाल देंगे और ये हमारा रनर पड़ गया। अब एक एक्स्ट्रा कपड़ा हमने आपको 10x14 का बताया था उसको लेंगे बैक साइड में, पहले बॉटम से इसको जोड़ देंगे। और इस जिप के ऊपर मुड़ते हुए सिल देंगे। जिप पर नहीं सिलना है, जिप से थोड़ा ऊपर हमको सिलना है इसको। और ये हमारी एक पॉकेट यहाँ पर तैयार होगी। अब बेल्ट लेंगे और इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने यहाँ पर 2 इंच का गैप दिया था, तो ये जो हमारी बेल्ट है यहीं पर लगेगी इसी 2 इंच के पास। यहाँ से सिलाई का मार्जिन थोड़ा सा हमें छोड़ना है, करीब 1/2 इंच, इधर 1/2 इंच छोड़ के तब अंदर की तरफ लगाएं। अब हमने 2 पीस एक्स्ट्रा शुरू में कटवाए थे जिसमें हमने क्रॉस का निशान लगाया था, अब वो पीस हम दोनों लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से यहाँ से ये और ये जितना हमने ये कट किया है इतना पीस हमें इसको जोड़ देना है। तो इसको हम इस तरफ से रखेंगे हैंडल को अंदर की तरफ करते हुए और इसको हम जोड़ देंगे। ये एक्स्ट्रा पीस हमने लिया था तो इसको हमने नाप के नहीं काटा था, केवल इसकी साइज़ हमने देख करके लिया था और अब इसको हम जोड़ देंगे। अब ये जो बढ़ा हुआ पीस है इसको हम कट करेंगे। अब इसको हम बाहर कर लेंगे, इसको अंदर कर लेंगे। ये हमारा शेप आ गया। और यहाँ पर अब हम मशीन चला देंगे फिनिशिंग की और इसी तरह से ये वाला पीस भी हम तैयार कर लेंगे जो बैक साइड का है। अब ये दोनों पीस हमारे तैयार हो गए। अब ये जो खुला हुआ पीस है इसको हम यहाँ पर मशीन चला के पैक कर देंगे, ये जो हमारा कट का निशान है इसी की सीध में। और ये दोनों पीस तैयार करने के बाद अब हम 14 इंच का पीस लेंगे जो हमने कट किया था और जिप लेंगे और इसमें जिप लगा देंगे, इसको बीच में से कट करेंगे। और इसको तैयार करने के बाद अब ये जो हमने 10x14x10 की बेल्ट साइड वॉल तैयार की थी इसमें इसको जोड़ देंगे, एक सिरा इसमें जोड़ देंगे और एक सिरा इसमें। इस तरह से बेल्ट पूरी तैयार करने के बाद एक पीस लेंगे और जो जिप वाला हिस्सा है ये जो हमने 4 इंच पर मशीन चलाई थी इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे, ये भी उल्टा रहेगा, ये भी उल्टा रहेगा और ये जो पीस है इसको इस तरह से हमें जोड़ना है। और इसको पहले हम जोड़ लेते हैं
इसको जोड़ने के बाद इसको पूरा हम बेल्ट को इधर ले आएंगे जो साइड वॉल है, और पहले हम बॉटम जोड़ेंगे। तो ये जो बॉटम का निशान हमने लगाया था 14 इंच का, ये 10 है हमारा साइड में, ये 14 इंच है। तो पहले हम 14 इंच के दोनों एरिया को जोड़ेंगे, एक हमने जोड़ दिया और एक अब इसको जोड़ेंगे। और ये हमारा ये पीस इस तरह से जुड़ गया ये, और इसी तरह से ये वाला पीस भी इस सेम प्रोसीजर में जोड़ेंगे। इसको उल्टा रखेंगे, इसको उल्टा रखेंगे, और ये 14 से ये 14 पहले जोड़ेंगे और फिर बॉटम जोड़ेंगे, फिर 10x10 के पीस दोनों जोड़ देंगे। और ये जो हम जिप वाला हिस्सा जोड़ रहे हैं वो इसी जो हमने मशीन चलाई है वो इसीलिए चलाई है कि हमको ये दिखाई दे, 4 इंच का गैप हमारा ऊपर होना चाहिए और इस 4 इंच का बॉर्डर, और ये सिलने में हमको सुविधाजनक हो जाएगा। तो अब हम इस पर फाइनल कर लेते हैं। और ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सीधा करेंगे और ये कुछ इस शेप में हमारा बैग आ गया है। अब इसमें हम फिनिशिंग वाली मशीन चलाएंगे, जितने भी हमारे जोड़ हैं वो यहाँ पर, ये 3 साइड में दोनों तरफ मशीन हमारी चलेगी। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया है, देखिए कितना खूबसूरत बैग बन के निकला। और इसमें हमने यहाँ पर एक पॉकेट भी जो काफ़ी गहरी है, फिर इसके बाद एक पॉकेट हमने यहाँ बीच में दी है, ये देखिए। तो इस तरह से एक कुर्ते में से हमने एक बड़ा बैग इस तरह से निकाल लिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया लेके आएगी। नमस्कार।